जैसा कि स्क्रीन पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास S20 Plus 5G है और उसमें एक सिक्योरिटी पैच अपडेट आया हुआ है जो कि 1 अगस्त 2023 का है। और अपडेट साइज की बात करें 269.88 MB का अपडेट है और आप देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। और मैं आपको मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे मॉडल नंबर के सामने लंबी लाइन SM और ये वाला SM-G986W, यानी ये जो वेरिएंट है ये कनाडा का वेरिएंट है और सिंगल सिम है। तो आप ये देख सकते हैं EMI नंबर ओनली एक ही है और एक IMEI नंबर आएगा, समझ लो ये सिंगल सिम है। 12 GB रैम, 128 GB, 5G इसमें वर्क करता नहीं है इंडिया में, तो कुछ इस तरह से। और इसका अपडेट आया हुआ है तो अपडेट करके मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नए चेंजेस आए हैं इसमें और 5G वर्क किया या नहीं किया, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। चलिए सबसे पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार और स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा किन किन डिवाइस को नए अपडेट मिले हुए हैं और साथ ही में कुछ और न्यूज़ हैं जिनके बारे में 5G के बारे में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उनका प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो डिवाइस है जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे और उसमें दोस्तों कल परसों से डिवाइस पूरा ऑफ हो चुका था और उसमें लाइट्स वगैरह ऑफ, मोबाइल ऑन था, डिस्प्ले ऑन थी लेकिन डिस्प्ले की लाइट्स ऑफ थी तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो आज अभी कुछ टाइम पहले, अभी 5-10 मिनट पहले ही ऑन हुआ है डिस्प्ले इसका। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट फेस हुई मेरे को। तो अब डिस्प्ले दोस्तों इसकी मैं बंद नहीं करूँगा, ऐसे ही ऑन रहेगी जिससे कि फिर दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों S20 Plus लेके मैं पछता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने Exynos वर्जन भी यूज़ किया था, उसमें भी प्रॉब्लम थी और इसमें भी है डिस्प्ले से रिलेटेड। मैं दोस्तों ये परफॉर्मेंस के लिए लिया था क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 था इसमें जो कि मच बेटर था देन कंपैरिजन टू Exynos, सो उसी चक्कर में मैंने ये बाय किया था। लेकिन दोस्तों जो एब्रॉड जो बाहर के जो मोबाइल होते हैं बाहर कंट्री के, उनमें प्रॉब्लम क्या रहती है, सबसे ज़्यादा नेटवर्क इशू रहता है। तो वही सेम मेरे साथ है और नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है मेरे को, और बाकी जो Exynos था वो सही नेटवर्क कैच मतलब पकड़ता था, ये थोड़ा कम है। तो कुछ इस तरह से ये प्रॉब्लम थी मैंने आपको बता दी। अगर फिर डिस्प्ले ऑफ होती है तो फिर वीडियो डिले होगी, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो देना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो तो ये फर्स्ट न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एयरटेल 5G वर्किंग, जियो 5G नॉट वर्किंग। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है, हाय गाइस, आई बॉट S22 Ultra फ्रॉम ताइवान, जियो 5G नॉट वर्किंग दिस मोबाइल बट एयरटेल 5G वर्किंग फाइन विदाउट एनी इश्यू, करेंटली जियो 5G सपोर्ट ओनली ऑन इंडियन डिवाइस ओनली, इन फ्यूचर जियो एक्सटेंड इट्स 5G सर्विस फॉर अब्रॉड यूनिट और नॉट प्लानिंग टू पोर्ट माई जियो नंबर टू एयरटेल दैट से आस्किंग थैंक्स इन एडवांस। तो मैं दोस्तों आपको कई महीनों से कहता आ रहा हूँ कि बाहर के जितने भी डिवाइस हैं आप कौन सा भी ले लो एंड्रॉयड में, जियो 5G यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ है और आइकन बने हैं और इसमें आप देख पा रहे होंगे जियो 5G नहीं वर्क कर रहा है, एयरटेल 5G वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आप पकड़ लेना चाहते हो तो मत लीजिए कोई सा भी डिवाइस हो 5G, अगर वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ तो 5G नहीं चलेगा, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो सैमसंग गैलेक्सी F54 के लिए और उसको अपडेट मिल चुका है 1 अगस्त 2023 का। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है और जाइए अपने डिवाइस को अपडेट कर लीजिए। अपडेट साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ मेंशन नहीं हुआ है और अगस्त का अपडेट है इतना तो मालूम है, तो आप चाहिए और अपने डिवाइस को अपडेट कर लीजिए। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो मेरे डिवाइस के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे S20 Plus 5G सॉफ्टवेयर पर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और ये इसका मॉडल नंबर है SM-G986W, ये कनाडा का वेरिएंट है और
स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगस्त का सिक्योरिटी पैच मिल चुका है जो भी डाउनलोड हो रहा है। और साइज की बात करें तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 269.88 MB का अपडेट है। और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं अपडेट करने के बाद, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सैमसंग S25G US अनलॉक्ड गेट्स अगस्त 2023 सिक्योरिटी अपडेट। दोस्तों कई सारे दोस्त मेरे कमेंट करते रहते हैं S20 के रिलेटेड, और ज़्यादातर डिवाइस हैं वो US अनलॉक्ड है, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और ये मॉडल नंबर भी है और इसको अपडेट मिल चुका है। और अपडेट साइज की अगर मैं आप तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 269.35 MB का अपडेट है और 1 अगस्त 2023 का इसमें सिक्योरिटी पैच दिया गया है। तो आप जाइए अपने डिवाइस को अपडेट कीजिए और जो भी कोई कमेंट है आप मुझे करके बता सकते हैं। साथ ही में अगर आप मेरे को सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जैसे आप चाहें तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से। और कोई सवाल है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दिया हूँ। तो कुछ इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं हम अगले अपडेट की बात करें तो वो M33 5G के लिए है, उसको अपडेट मिल चुका है। और अपडेट साइज की बात करें तो 290.09 MB का अपडेट है और सिक्योरिटी पैच लेवल अवेलेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा डिवाइस अपडेट हो मतलब डाउनलोड हो चुका है, ये अपडेट मांग रहा है, तो थोड़ा मैं अभी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर आप M33 5G यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, अपडेट आ चुका है, आप जाइए अपने डिवाइस को अपडेट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अगले अपडेट की बात करें तो वो सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra के लिए है, उसको एक नया सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला हुआ है। और अपडेट साइज की बात करें तो 1351.52 MB का अपडेट है और सिक्योरिटी पैच 1 अगस्त 2023 का है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये अपडेट है अगर आप यूज़ कर रहे हैं S23 Ultra, तो अपडेट आ चुका है, अपडेट कर लीजिए, ये ग्लोबल वेरिएंट के लिए है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपडेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब हम, और अगले डिवाइस के अगर बारे में बात करें तो वो सैमसंग का S21 Plus है, जिसको कि अपडेट मिला है। और चलिए देख लेते हैं, तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सॉफ्टवेयर अपडेट S21 Plus, तो कुछ इस तरह से है। और अपडेट साइज की बात तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 257.21 MB का अपडेट है और सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अगस्त 2023 का है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जाइए अपने डिवाइस को अपडेट कर लीजिए और इससे कि नए फीचर आपके मोबाइल में ऐड होंगे। तो अगर आप S21 Plus 5G यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, जाइए अपने डिवाइस को अपडेट कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है यहीं पर। अगर मोबाइल सही रहा मेरा तो अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, अगर मोबाइल ऑफ हो गया तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर कोई अगला एडवाइस बाय करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं वीडियो बन पाएंगी, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।